वाराणसी में गंगा में डूबे एक युवती संग तीन छात्र एक युवक का शव बरामद, दो की तलाश जारी। वाराणसी के लंका क्षेत्र में पड़ने वाले सामने घाट स्थित जजेज हाउस के समीप कच्चे घाट के एक युवती और दो युवकों के डूबने की दर्दनाक घटना सामने आ रही है। घटना भोर 3 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और जल पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटी है। एक युवक का शव गंगा से निकाल लिया गया है, जबकि अन्य की दो की तलाश जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पटना से फिजियोथेरेपी के द्वितीय वर्ष की छात्रा सोना पहले गंगा में डूबने लगी। वह बनारस घूमने आए थे, उसे बचाने के लिए चांदमारी मोहल्ला मोतिहारी पटना का वैभव सिंह पहुंचा। वैभव विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर से लॉ का प्रथम वर्ष का छात्र है। वैभव को डूबते देख उसका पड़ोसी बीए तृतीय वर्ष का छात्र ऋषि बचाने के लिए गया, तो वो भी डूब गया। सूचना मिलते ही मौके पर एसीपी भेलूपुर धनंजय मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक लंका शिवकांत मिश्र के साथ ही एनडीआरएफ और जल पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात से ही गंगा में तलाश जारी है। पुलिस ने एक छात्र वैभव सिंह का शव गंगा से निकाल लिया है, जबकि युवती सोना और एक युवक ऋषि की तलाश जारी है। आशुतोष सिंह। आशुतोष जी, क्या हुआ था मामला? रात को हम लोग दुकान बैठे हुए थे, खाना हम लोग खा रहे थे, तो क्या हुआ कि तीन लड़के तीन लड़की आई यहाँ से, तो रात जब 1:30 बजे तो देखा गया, तो रात 1:30 बजे वो ज्यादा समय हो रहा था, हम जाएंगे घाट टहलते हुए गए, तो उन लोग क्या हुआ कि साइड में उधर बैठे हुए थे। बैठे हुए बैठ क्या हुआ कि लड़के गए पहले घाट किनारे गए, उधर जेटी की तरफ जो पड़ी हुई जेटी की तरफ गए, देखने के रास्ता कैसा बैठने लायक है कि नहीं जेटी के ऊपर। तो अब वो रास्ता इतना दलदल है कि जाने का लगा कोई जाता ही नहीं उधर, मतलब समझ लीजिए। अब उन लोग कैसे करके गए अपना, कुछ बोलने वाला तो था नहीं, उन लोग गए उसके बाद फिर कॉल किए, जो उनके साथ के लोग थे संघ के लोग, उन लोग भी साथ में गए, उनके पीछे से गए, फिर वहाँ पर लोग बैठे। बैठने के बाद क्या हुआ कि करीब 10-15 मिनट बाद उन लोग एक लड़की गिरी, गेटी किनारे बैठे हुए थे, क्या हुआ कि पैर फिसला जाए जैसे भी, लड़की गिरी तो उसको बचाएंगे, लड़का गिरा तो उसको बचाएंगे, लड़का फिर जो उस बगल था वो गिर गया। और फिर क्या हुआ कि हम लोग घाट पर थे, तो हल्ला अचानक से आवाज़ आया कि बचाओ बचाओ कोई है, तो हम लोग आवाज़ दिए कौन है, फिर आवाज़ आया कि नहीं बचाओ बचाओ, हमने क्या हुआ, तो फिर आया कि आइए जल्दी आइए, तो हम लोग गए वहाँ पे, भैया हम मेरे मतलब बड़े भाई और हम गए दोनों लोग, लेकिन क्या हुआ कि मौके पर पहुँचने के बाद भैया गिर गए मिट्टी में, मतलब दलदल मिट्टी, तो पता ही नहीं था हम लोग का सूखा रोड होगा, दौड़ते गए दलदल में फंस गए, और वहाँ पर पहुँचते देर हो गया, वहाँ पर इतना बहाव है कि मतलब कि कोई सीन नहीं था, वहाँ पर गए थे हम लोग। उसके बाद आप लोगों ने सूचना दी पुलिस वगैरह? हाँ, उसके बाद पुलिस आए, हम लोग साथ में थे पूरा, बताएँ वहाँ पर गए सब। क्या बताया जरा, कहाँ से लोग आए थे? ये लोग आए थे मोतिहारी जिला बिहार से। अच्छा। अब यहाँ पे किसी फ्रेंड से, मतलब कि जो भी फ्रेंड होगी उनकी, मिलने आए थे इन लोग। अच्छा। यहाँ पे उनके फ्रेंड के फ्लैट पे थे। अच्छा। इन लोग रात को ऐसे ही घाट पे कुछ आए थे ऐसे ही घूमने टहलने। हाँ। और सुबह इनको कहाँ जाना? सुबह इन लोगों को जाना था जयपुर। अच्छा जी, वहाँ पे तो अभी तलाश चल रही है? अभी इन लोगों की तलाश चल रही है, एक लोग की लाश मतलब मिल गई है। बीएचयू में तो ये लोग नहीं पढ़ते थे? नहीं, बीएचयू में नहीं पढ़ते हैं इन लोग, जयपुर पढ़ते हैं। हम तो सराय डंगरी। क्या घटना घटित हुई है यहाँ पर घाट पे? एक दो लड़का एक लड़की डूब गई थी। कितने बजे की घटना है ये? 1:30 बजे रात ही का। तो कितने लोग की बॉडी मिल गई है, कितने लोग की अभी बाकी है? अब हमको नहीं पता है ये सब के लिए। पुलिस अभी खोज रही है? पुलिस तो खोज रही थी का। तो क्या कहना चाहेंगे कि रात में जब प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था रहती है कि नहीं रहती है? नहीं रहती है। तो रहना चाहिए यहाँ पर, सुनसान इलाका है, क्या पता हमको।